नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो 29 सितंबर 2021 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। आज 29 सितंबर है, तो आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। विश्व हृदय दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। तब यह सितंबर माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता था, परंतु साल 2014 से इस दिवस को मनाने की तारीख 29 सितंबर निश्चित कर दी गई। इस दिन हृदय से संबंधित बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार हर साल हृदय संबंधी बीमारियों से करीब 18 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में तसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा के कटक जिले के चौधार में 75 लाख रुपए की लागत से राज्य का पहला तसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। यह वार्षिक तौर पर 94 लाख रुपए मूल्य के 200 किलोग्राम रेशम धागे का उत्पादन करने में सक्षम है। तसर रेशम रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है। राज्य के कुल खादी कपड़े के कुल उत्पादन का 75% रेशम ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरदीप सिंह पुरी। यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। यह वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीमाबेन आचार्य किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। इस पद के लिए इन्हें निर्विरोध चुना गया। यह गुजरात के भुज से भाजपा विधायक हैं। यह 4 बार विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं। इससे पहले यह गुजरात परिवार नियोजन परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने 2002 और 2007 में चुनाव लड़ा। 2007 में जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत निर्विरोध चुनाव में खड़े हुए, तब इन्होंने उनके पक्ष में वोट किया। इस पर कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाकर इन्हें पार्टी से निकाल दिया, तो इन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय किया। 16 सितंबर को राजेंद्र त्रिवेदी के इस्तीफा दिए जाने के बाद से ही यह पद खाली था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरपीरपाल सिंह। गुरपीरपाल सिंह एनसीसी के महानिदेशक बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में हाल ही में हुए चुनावों में महिलाओं ने आधी से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आइसलैंड। आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद में 33 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। महिला बहुमत वाली यह यूरोप की पहली संसद है। यह लैंगिक समानता के लिए विश्व के समक्ष मील का पत्थर साबित होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मिसाइल के प्राइम संस्करण का सफल परीक्षण किया गया?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आकाश। यह पहले से मौजूद आकाश सिस्टम से कई गुना आधुनिक व बेहतर है। यह उन्नत सटीकता वाले स्वदेशी उपकरणों से लैस है। कम तापमान में अधिक ऊंचाई पर भी यह भरोसेमंद हथियार है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में जनमत संग्रह में गर्भपात को वैध बनाए जाने के पक्ष में मतदान किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सैन मेरिनो। सैन मेरिनो में जनमत संग्रह में गर्भपात को वैध बनाए जाने के पक्ष में मतदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत इस इंडेक्स में 59वें स्थान पर है। भारत का इसमें 59वां स्थान है। तो ये थे आज के हमारे वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि हम आगे जो वीडियोज अपलोड करें उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। अगर आप इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।